हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं वंडर वुमन 1984 फिल्म के मेन ट्रेलर के बारे में, जिसे डीसी के फैंडम इवेंट में रिलीज किया गया। और ये ट्रेलर लगभग 2 मिनट 23 सेकंड का है, जो कि पूरी तरीके से न्यू सीन से भरा हुआ है। बट अनफॉर्चुनेट, इस मेन ट्रेलर में भी हमें बाबरा मनोवा यानी के क्रिस्टियन विंग की कैरेक्टर चीता का लुक क्लियर तरीके से नहीं दिखाया गया। बस उसकी काफी क्विक झलक हम इस फिल्म के ट्रेलर में देख सकते हैं, जिससे हमें यह आइडिया हो जाता है कि बाबरा चीता के फॉर्म में इस फिल्म में हमें किस तरीके की दिखेगी। और इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, वो है इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट, जिसे इस मेन ट्रेलर में अभी के लिए कंफर्म नहीं किया गया है। जिसे अगर पोस्टर के हिसाब से देखें तो इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट इसी साल 2 अक्टूबर की है, जिसे शायद सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इस फिल्म के ट्रेलर में कंफर्म नहीं किया गया, क्योंकि उससे पहले क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म टेनेट का रिस्पॉन्स थिएटर में देखने के बाद ही वार्नर ब्रदर्स की तरफ से ये डिसाइड किया जाएगा कि इस बड़ी फिल्म को थिएटर के लिए अभी रिलीज करना सही होगा या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए इस फिल्म को एक और रिलीज डेट के साथ पूरी तरीके से सेट कर दिया जाए। खैर, तो अब इन सभी बातों को साइड में रखकर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं इस फिल्म के मेन ट्रेलर के बारे में, कि इस ट्रेलर में हमें देखने के लिए कौन कौन सी डिटेल्स मिली है, जिससे हमें यह पता चले कि वंडर वुमन 1984 फिल्म को पैटी जेंकिंस ने डीसी फैंस के लिए किस तरीके से डायरेक्ट किया है, और क्या नई चीजें वो वंडर वुमन के यूनिवर्स से निकालकर अपनी इस फिल्म में फैंस को दिखाने वाली है। यानी डेफिनेटली ये वीडियो स्पॉइलर से तो भरी हुई है, जिसकी वार्निंग मैं अभी आपको दे देता हूं। और अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, वंडर वुमन 1984 फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत छोटी डायना प्रिंस से की जाती है, जो हमें अमेजोनियंस के किसी ओलंपिक में पार्ट लेती हुई दिख रही है, वो भी काफी छोटी उम्र में। वेल, तो ये सब कुछ मेरे हिसाब से तब हुआ होगा जब डायना ने बचपन में ही अपनी स्किल्स अपनी माँ हिप्पोलिटा को दिखाए होंगे, जिसके बाद हिप्पोलिटा की तरफ से डायना को परमिशन मिल गई थी कि वो बाकी अमेजोनियंस के साथ मिलकर पूरी तरीके से खुद को ट्रेन कर सकती है, जिसमें उसकी मदद उसकी आंट एंटीओप ने की थी, जिनकी डेथ हमें फिल्म के फर्स्ट पार्ट में दिखाई गई थी। लेकिन अब उन्हें भी वंडर वुमन 1984 में इंक्लूड किया गया है, जो शायद फिल्म के फ्लैशबैक के सीन्स हो सकते हैं, या फिर उनके कैरेक्टर को भी स्टीव की तरह वंडर वुमन के इस यूनिवर्स में जिंदा किया गया है, जिसके पीछे पूरी तरीके से हाथ मैक्सवेल लॉर्ड के कैरेक्टर का हो सकता है, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे देने वाला हूँ। खैर, तो उसके अलावा जाए ट्रेलर के स्टार्ट में आ रही वॉइस पर, जो ऑब्वियसली डायना की मॉम हिप्पोलिटा की है, जो अपनी बेटी डायना को यही समझा रही है कि उसकी काफी महान शक्ति यानी के पावर्स के लिए अभी फिलहाल तो दुनिया रेडी नहीं, लेकिन उसका भी वक्त आएगा जब लोगों को डायना यानी के वंडर वुमन की पावर्स के बारे में पता चलेगा और उसकी एग्जिस्टेंस का यानी कि उसकी मौजूदगी, जिसका पता ऑब्वियसली स्टीव लगाता है। और उसके बाद डायना उसकी मदद करने के लिए स्टीव के साथ उसकी दुनिया में चली जाती है, यानी इंसानों की दुनिया में, क्योंकि ज़ूस गॉड ने वंडर वुमन और सारी की सारी अमेज़ोनियंस को एक अलग ही आइलैंड में छुपा रखा था, जिसे हम अपनी दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। लेकिन जब दुनिया में डायना की जरूरत लोगों को पड़ेगी, तो उसे अपने परिवार को छोड़कर सीधे इंसानों की मदद करने के लिए आना होगा, जिस कसम को डायना बहुत ही अच्छी तरीके से कई सौ सालों से निभा रही है, जिसकी कंटिन्यूएशन हम साल 1918 से लेकर प्रेजेंट टाइमलाइन तक देख चुके हैं, जिसमें अब थोड़े बहुत चेंजेस जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म भी करेगी और DCEU की आने वाली फ्यूचर की फिल्में भी। क्योंकि अगर मैं बात करूं वंडर वुमन 1984 फिल्म की, तो फिल्म के टाइटल से ही हमें फिल्म की टाइमलाइन पता चल जाती है कि इस फिल्म को डीसी के यूनिवर्स में किस टाइमलाइन में सेट किया गया है, यानी 1980 से लेकर प्रेजेंट की टाइमलाइन में आने तक डायना ने जो कोई भी कारनामे किए हैं, उन सभी डिटेल्स को तो नहीं, लेकिन इस ईयर की डिटेल को इस फिल्म में पूरी तरीके से कवर किया जाएगा कि ईयर 1984 में डायना क्या कर रही थी और उसने दुनिया को किस अनजान खतरे से बचाया था, जो कि मैक्सवेल लॉर्ड और बारबरा मिनोवा से होने वाला था। और इसके अलावा ट्रेलर के उस सीन में हम डायना को किसी अनजान खतरे से लड़ते हुए देख सकते हैं, जो कि शहर के बीचों बीच वॉशिंगटन डीसी के इर्द गिर्द हो रहा है। और सेट की कुछ लीक इमेजेस हमें इसका भी हिंट देती है कि शायद इस फिल्म में डायना यानी कि वंडर वुमन हमें इनविजिबल जेट यूज करती हुई नजर आएगी, और उसके अलावा उसकी अनलिमिटेड स्पीडिंग की पावर भी, जिसकी मदद से वो अच्छी खासी स्पीड से भाग सकती है और अपने लासों को यूज कर वंडर वुमन ऑलमोस्ट फ्लाइंग भी कर सकती है, वो भी लाइटनिंग की मदद से, जो ऑब्वियसली उसे गॉड ज़ूस दे रहे होंगे, जो एक हिसाब से डायना के पिता भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस फिल्म में वंडर वुमन बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करेगी। अगर फिल्म में इनविजिबल जेट है, जो कि फिलहाल तो इस ट्रेलर में बिल्कुल भी नजर नहीं आई है, लेकिन इस सीन को देखकर थोड़े बहुत हिंट तो मिलते हैं कि शायद इस फिल्म में हमें सच में इनविजिबल जेट नजर आएगी। और इसके अलावा फिल्म का न्यू रिलीज किया गया पोस्टर इस बात की कंफर्मेशन भी करता है कि गोल्डन आर्मर पहनकर डायना उड़ेगी भी। जिस पोस्टर की अगर कंपैरिजन हम मैन ऑफ स्टील के इस पोस्टर से करें, तो ये एक अच्छा खासा ईस्टर एग है। और अब डायना के कैरेक्टर को छोड़कर आ जाए फिल्म के मेन विलेन मैक्सवेल लॉर्ड पर, तो मैक्सवेल लॉर्ड का कैरेक्टर इस फिल्म में वंडर वुमन यानी कि डायना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, जिसका एक रीजन बाबरा भी है, जिसने मैक्सवेल लॉर्ड की मदद की होगी उसके लिए क्रिस्टल को ढूंढने में, जो क्रिस्टल लोगों की विश को पूरी कर सकता है, जिस क्रिस्टल की एक झलक हमने फिल्म के पहले ट्रेलर में भी देखी थी और इसके अलावा फिल्म की रिलीज की गई ऑफिशियल इमेज में भी, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि मैक्सवेल लॉर्ड और बाबरा को इतनी ज्यादा पावर्स कहां से मिलेगी। क्योंकि बात करें मैक्सवेल लॉर्ड की, तो मैक्सवेल लॉर्ड ने जिस तरीके से क्रिस्टल की मदद से खुद को एक काफी पावरफुल शख्स बना लिया है, वो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनकर, जिसके बाद इस सीन में हम उसे लोगों को विश ऑफर करते हुए कहते हैं कि आप दुनिया में
जैसी भी विश मांगना चाहते हैं वो पूरी हो जाएगी। और हो सकता है कि इस टाइम पर ही डायना ने स्टीव की विश मांगी होगी जो उसे क्रिस्टल की मदद से मिल गई, जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश भी है और शायद थोड़ी अपसेट भी, क्योंकि ये विश अगर डायना को मिली होगी मैक्सवेल लॉर्ड की इसी स्पीच के बाद, तो हो सकता है कि दुनिया में बाकी और लोगों ने भी अपनी अलग अलग विशेष मांगी होगी। यानी एक तरीके से पूरी दुनिया में सिचुएशन को मैक्सवेल लॉर्ड ने बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया है, जिसे बिल्कुल भी आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए डायना को अब इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए पहले से भी काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस बार डायना का मुकाबला मैक्सवेल लॉर्ड जैसे विलन से भी है। तो उसे सपोर्ट करने के लिए इस फिल्म में बाबरा के कैरेक्टर को डाला गया है, जिसे देखकर पहले हमें ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि बाबरा का कैरेक्टर फिल्म के स्टार्ट में डायना की एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, और इसके अलावा वो थोड़ी डरपोक भी है लेकिन बहुत ज्यादा स्मार्ट भी। और कुछ रूमर के अकॉर्डिंग ये बात भी कंफर्म की गई थी कि वो प्रोफेशनली एक आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक डायना यानी वंडर वुमन की तरह, जिसे हमने जस्टिस लीग में ऐसे ही किसी म्यूजियम में काम करते हुए देखा था। यानी दोनों का प्रोफेशनल बिल्कुल सेम है, जिस वजह से उन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो गई होगी। लेकिन इसी दोस्ती के बीच जेलेसी भी पैदा हुई, जिसमें आग डालने का काम मैक्सवेल लॉर्ड के कैरेक्टर ने किया है, और इसकी भी डिटेल हमें इस फिल्म के ट्रेलर में साफ साफ सुनाई देती है, ठीक डायना की मॉम हिप्पोलिटा की तरह, जहां पर वो अपनी बेटी को उसकी पावर्स को यूज करने के लिए पेशेंस का सहारा लेने के लिए कह रही है, ताकि डायना अपनी पावर्स को काफी अच्छी तरीके से समझकर उसका बिल्कुल सही यूज करे। और दूसरी तरफ मैक्सवेल लॉर्ड को हम सुन सकते हैं, जो बाबरा के कैरेक्टर को बिल्कुल ही गलत ज्ञान दे रहा है कि वो इस पावर को इसकी लिमिट से काफी ज्यादा ओवर यूज करेगा, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इन सब में उसका साथ ऑब्वियसली बाबरा दे रही है, यानी कि वंडर वुमन से सामना कर, जहां पर हम उनकी एक इपिक बैटल देखेंगे, वो भी एक सैटेलाइट स्टेशन के पास, जहां से शायद मैक्सवेल लॉर्ड अपना संदेश पूरी की पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। और इसी को रोकने के लिए वहां पर वंडर वुमन पूरी तैयारी के साथ आई है, वो भी अपने गोल्डन आर्मर को पहनकर। लेकिन दूसरी तरफ बाबरा भी पूरे चीता मूड में है, जिससे कि उसकी पूरी पूरी कोशिश वंडर वुमन को रोकने की ही रहेगी। यानी हो सकता है कि जब उन दोनों का सामना पहले हुआ है, जो कि हम इस सीन में देख सकते हैं, यानी कि ये बैटल डायना के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जिसके बाद जाकर वो अपनी पावर को और भी सही तरीके से यूज करना सीखेगी, जिसमें शायद उसकी मदद उसके पिता ज़ूस करे, और फिर डायना को मिलेगा उसका गोल्डन आर्मर, जिसे पहनकर वो चीता की हालत बुरी करने वाली है। और इस सीन में चीता के धुंधले कैरेक्टर को देखकर ये बात तो तय होती है कि चीता को इस फिल्म में पूरी तरीके से उसके पावर को एक्सप्लोर करने के लिए अभी रेडी नहीं किया गया है, क्योंकि कॉमिक बुक की चीता जितनी ज्यादा पावरफुल है उतनी ही ज्यादा इविल भी। लेकिन बाबरा यहां पर ज्यादा चीता के फॉर्म में नहीं है, जिसे शायद डीसी के फ्यूचर के यूनिवर्स के लिए बचाकर रखा गया है, और ऑब्वियसली ऐसा सिर्फ और सिर्फ वंडर वुमन को कड़ी टक्कर देने के लिए किया गया है, क्योंकि चीता ही डीसी की कॉमिक बुक में एक ऐसी विलन है जिसने वंडर वुमन को कई सालों से परेशान कर रखा है। और ठीक ऐसा ही क्लैश हमें इस फिल्म में भी देखने मिलने वाला है। लेकिन अभी भी चीता के कैरेक्टर को लेकर चीजों को क्लियर बिल्कुल भी नहीं किया गया, जैसे कि चीता को उसकी पावर एक्चुअल में उस विशिंग क्रिस्टल से मिली है या फिर ये एक कर्स है जैसा हमने कॉमिक बुक में देखा है। लेकिन कॉमिक बुक में चीता की ओरिजिन को कई बार बदला गया है, जिसकी पूरी डिटेल वीडियो यानी कि ओरिजिन वीडियो मैं रेडी कर जल्द से जल्द अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको फिल्म के रिलीज से पहले चीता की पूरी ओरिजिन पता हो कि वो कौन है, उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, और वो इतनी पावरफुल कैसे है कि वो अपनी इस पावर यानी कि शार्प क्लॉ से किसी भी सुपर हीरो को जख्मी कर सकती है, किसी भी यानी सुपरमैन भी इसमें इंक्लूड होता है। और थैंक गॉड कि ये ट्रेलर हमें चीता के लुक को भले से ही थोड़ा दिखाकर ये तो कंफर्म करता है कि पुरानी कॉमिक बुक की तरह इस फिल्म में चीता को एक कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि उसे पूरी तरीके से चीता के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। आधा ही सही, लेकिन जो भी है वो डीसी फैंस के लिए बहुत ज्यादा है। क्यों तो उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चीता का कैरेक्टर इस फिल्म में इतना ज्यादा पावरफुल है, जिसे उसकी पूरी की पूरी पावर्स वंडर वुमन की पावर से ही मिली है। जी हाँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस विशिंग क्रिस्टल के चलते, जो लोगों को उनकी विश के हिसाब से चीजें पूरी तो करके देता है, लेकिन बदले में वो सामने वाले शख्स को एक कर्ज भी देता है, जिस कर्ज के चलते वो उनसे कुछ ना कुछ कीमती चीजें ले लेता है, जो कि वंडर वुमन के केस में ऑब्वियसली उसकी पावर ही है, जिसे वो बाद में ट्रांसफर कर बाबरा को दे देगा, और बदले में उसे कर्ज मिलेगा शायद चीता बनने का। अब आई डोंट नो ऐसा कुछ फिल्म में होगा कि नहीं, लेकिन रूमर इस फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर कुछ यही कहते हैं। यानी देखा जाए तो वंडर वुमन यानी कि डायना इस रूमर के अकॉर्डिंग फिल्म में चीता के सामने बहुत ज्यादा वीक रहेगी, जिसके बाद लास्ट में उसे एहसास होगा कि उसने स्टीव को विश में मांगकर कितनी बड़ी गलती की है। यानी एक तरीके से डायना विश मांगते वक्त पूरी तरीके से सेल्फिश हो गई थी, कि इन सब का असर उसकी इस एक विश की वजह से दुनिया के लोगों और उस पर क्या होगा। और इन सब से हटकर हम बाबरा के कैरेक्टर को भी इस पूरी की पूरी फिल्म में शाइन होते हुए देखेंगे। यानी वो पहले जैसी डरी और सहमी सी रहती है पावर्स मिलने के बाद, धीरे धीरे उसे अपनी पावर्स का एहसास होगा, जिससे वो दुनिया में बहुत कुछ कर सकती है। यानी कि वो होता है ना, जब किसी सुपर हीरो को उसकी पावर्स मिलती है तो उसे समझ नहीं आता कि उसे अपनी इस पावर को अच्छाई की तरफ यूज करना चाहिए या फिर बुराई के लिए, जिसमें मैक्सवेल लॉर्ड उसे अपनी तरफ यानी कि डार्क साइड ले जाएगा, अपनी विशेष को रूल्स के अकॉर्डिंग तोड़कर और भी ज्यादा मांगने की। और जितनी पावर बाबरा के कैरेक्टर को मिली होगी वो उससे और भी ज्यादा मांगना शुरू कर देगी, यानी कि अनलिमिटेड विश, जो हो सकता है कि उसे पूरी तरीके से चीता के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, और इसी वजह से वो बनेगी डायना की जानी दुश्मन। क्योंकि हो सकता है कि बाबरा को पहले इतनी जलेसी डायना के कैरेक्टर को लेकर नहीं हुई होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ये चीज
नोटिस कर रही होगी कि डायना प्रमोशन के मामले में उससे आगे निकलती जा रही है, जबकि इसकी असली हकदार डायना नहीं बाबरा खुद है। और इसके अलावा हम बाकी के पूरे ट्रेलर में एक जबरदस्त BGM सुनते हैं जो पूरे के पूरे ट्रेलर में चार चांद लगाने का काम करता है, जिससे फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ट्रेलर के बाकी बचे पार्ट हमें फिल्म के BGM के अलावा फिल्म के जबरदस्त एक्शन भी दिखाता है। और हाँ, स्टीव ट्रेवर को 1984 के मॉडर्न टाइम में एडजस्ट करते हुए भी, जहाँ पर वो कपड़ों को पैराशूट के साथ कंपेयर करता है और कहीं पर उसे लगता है कि उसकी तरह प्लेन कोई दूसरा उड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्लेन को लेकर पूरी तरीके से गायब होने में बहुत ज्यादा माहिर है। जिसके बाद डायना उसे रडार के बारे में भी समझाती है कि बादलों के बीच छुपकर रडार से बचा नहीं जा सकता, बट हमारे देश में कुछ लोगों को लगता है कि बादलों के बीच छुपकर रडार से बचा जा सकता है। और अब आखिरी अपडेट फिल्म की डायरेक्टर पैटी जेंकिंस को लेकर, जिन्होंने ये बात भी कंफर्म कर दी है कि वंडर वुमन 3 फिल्म उनके करियर की आखिरी वंडर वुमन फिल्म होगी, जिसकी कहानी वो लिखेगी भी DC के बाकी दूसरे राइटर्स के साथ मिलकर, और ऑब्वियसली वो इस फिल्म को भी डायरेक्ट करेगी, जो कि सच में फैंस के लिए बहुत ही बुरी न्यूज है। इसके अलावा पैटी जेंकिंस ने एक और जो बात कंफर्म की थी वो है वंडर वुमन के यूनिवर्स की अमेज़न्स की ओरिजिन, जिसके बारे में अब तक ज्यादातर तो DC फैंस को बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन पैटी जेंकिंस अमेज़न्स की उस दुनिया को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर फैंस को बताना चाहती है। आई होप HBO Max की तरफ से उन्हें इसकी भी एक ग्रीन लाइट दे दी जाए अगर इस पर कोई सीरीज या फिर छोटी मोटी फिल्म बनाने की प्लानिंग की गई है। तो अब आप मुझे कमेंट कर बताइएगा कि पैटी जेंकिंस वंडर वुमन 3 फिल्म को डायरेक्ट करेगी तो आपके हिसाब से वंडर वुमन 3 फिल्म में डायना के कौन से जानी दुश्मन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जो उस पर चीता से भी काफी ज्यादा भारी पड़े। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को रिक्वेस्ट के साथ लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है अपने इस चैनल पर इस टाइप के कंटेंट को कंटिन्यू रखने की। तो चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ थोड़ी ही देर में फिर से DC के यूनिवर्स की एक और अपडेट लेकर। तब तक के लिए बाय।